यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं सही में अब नहीं करूंगा यार, पढ़ाई छोड़ दूंगा अब मैं। साला इतनी मेहनत करो फिर भी कुछ नहीं, टुल्लू हाथ आता है यार। पूरे रात रात भर पढ़ के पढ़ाई की है फिर भी अब तक घटिया रिजल्ट निकला है यार। घर वाले भी ताने दे दे के जान ले रहे, समझ ले यार। ऐसा सही में ऐसा लग रहा है खुद की जान ले लूं या कुछ कर बैठूं, बट सही में ऐसा मन तो भाई ऐसा कर रहा है पढ़ाई छोड़ ही दूं बिल्कुल भी। कुछ कर लूं मतलब और पढ़ाई छोड़ दूं भाई? कौन सी रात रात भर पढ़ाई की बातें कर रहा है तू? वो जो तू उस दिन गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा था पढ़ते टाइम, और बीच में देखो फोन भी आ गया था शायद, है ना? वो पढ़ाई की? तू भी ताने मत दे यार, मत दे प्लीज। मैं बहुत बहुत सुन चुका हूँ अपने घर वालों की मालूम, और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि। कौन सा गलत बोल रहे तेरे घर वाले? साले मैं बताऊँ तेरे घर वालों को, तू क्या क्या करता था रात को? ग्रुप स्टडीज के नाम पे गर्लफ्रेंड से बातें? देख पॉइंट की बात करूंगा तो भाई, रिजल्ट खराब आना, फेल होना, बैकलॉग लगना दुनिया का एंड नहीं हो जा रहा है यहाँ, समझा? मानता हूँ है मेरी गर्लफ्रेंड भाई, झेलना पड़ता है। तेरी गर्लफ्रेंड अंडरस्टैंडिंग होने से ये नहीं होता कि दुनिया की सारी लड़कियां एक जैसी हो। समझता हूँ मैं कि पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई जरूरी है, बट और तू एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा है ना भाई, तो मेरे लिए यही है एंड ऑफ द वर्ल्ड। तुझे क्या मालूम है भाई मेरा रिजल्ट खराब आया तेरा नहीं, तू तो अच्छे से पास हो गया, साले फेल मैं हुआ। गर्लफ्रेंड की बात नहीं करेंगे, टॉपिक बिन मतलब खिंच जाएगा। और देख प्लीज सॉरी माइंड मत कर, मुझे मालूम है तू अभी थोड़ा स्ट्रेस में है और मैं मजाक कर रहा हूँ। देख सीधी बात है यार, अगर तेको याद होगा मैं भी इस लाइन से गुजरा हूँ, मैं भी फेल हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम धड़ाधड़ फर्स्ट क्लास पास हो, मैंने भी ठोकर खाई है इसलिए आज सीखा हूँ भाई। और ठोकर खाके ही आदमी सीखता है, वो एक फ्रेज है ना, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस, उसको फॉलो करना मेरे भाई। क्या दुनिया खत्म कैसे हो गई तेरी, बता मुझे? दुनिया खत्म मतलब यार देख, एक तो घर वालों के ताने मुझसे सहन नहीं होते, समझा? हर चीज पे भाई रिजल्ट की ऐश तैसी होती है, रिजल्ट की आ जाती है बीच में। भाई फोन हाथ में ले लूं, अबे भाई फोन बज भी गया ना तो मेरे घर वाले इतना गंदा नजरों से देखते हैं मुझे कि ऐसा लगता है कि भाई क्या कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने फेल होके। तू बता मैं क्या सोचू, दुनिया का एंड नहीं सोचू तो क्या सोचू? सहना तो पड़ेगा भाई, ये फेस मैं भी कहीं ना कहीं फेस कर चुका हूँ। जब मैं फेल हुआ था तो मेरे घर वाले भी सेम कंडीशन में थे, मैं भी सेम स्ट्रेस्ड आउट कंडीशन में था, मन में बहुत सारे ख्याल थे, बट स्टिल यार एक अपने अंदर एक होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला फील होना चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। मालूम है अभी जस्ट रिसेंट रिसेंट नया ताजा ताजा जख्म है तो इतनी जल्दी हील नहीं होगा, बट स्टिल तेरे साथ मैं हूँ मेरे भाई, तेरे साथ तेरी फैमिली खड़ी है। ये मत सोच कि वो लोग तुझे ताने दे रहे हैं इसका मतलब वो तुझे हेट करते हैं, वो अभी भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं। बस चीज ये है कि वो लोग चाहते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे, ये चीज हर पेरेंट अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे ना उतरो तो भाई ये चीज होती ही है। जहां तक बात है ताने देने की, यार वो तो उनका हक बनता है अभी, क्योंकि गलती हमने करी है और देखो सहना पड़ेगा। मैंने भी ये फेस किया है, मैंने भी बहुत ताने सुने हैं, बट स्टिल मैं तुझे बोल रहा हूँ कि इसी तानों को, इन्हीं सब चीजों को पॉजिटिव वे में ले। तो नेगेटिव वे में लेके अभी आज ये सोच रहा है कि पढ़ाई छोड़ दूँ या कुछ कर लूँ, बट थिंक अगर तू इन्हीं को पॉजिटिव वे में ले और ये ठान ले कि यार अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में है उसमें तो बस मतलब फाड़ दूंगा, एग्जाम चाहे कैसा आए अच्छा स्कोर करूंगा, ये एक फील ला मन में। जस्ट सोच तेरे अच्छे स्कोर आने के बाद तेरे पेरेंट्स के ऊपर जो आज स्ट्रेस वाला फील है उस टाइम पे क्या फील रहेगा, वो लोग कितना प्राउड फील करेंगे भाई। और तब तू मुझे बता क्या सोचेगा अगर तेरे मार्क्स अच्छे आएगा और तेरे पेरेंट्स बहुत प्राउडली तुझे बोल रहे कि हाँ मेरे लड़के ने कुछ सही करके दिखाया है, तब तू यही चीज बोलेगा या ये बोलेगा कि नहीं अब मुझे और भी कुछ अच्छा करना है और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करना है? बोल तो सही रहा है यार, थॉट्स तो गलत आ ही रहे मन में, और अच्छा कुछ करूंगा तो शायद घर वालों को भी ठीक लगे, घर वाले भी प्राउड हो जाए। मैं तो चाहता भी उल्टा यार, मेरे मन में ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है ये जिसकी वजह से थोड़ा फील कर रहा हूँ। और फ्रैंकली बताऊँ यार तुझे, थोड़ा हारा हुआ टाइप लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है टूट गया हूँ मैं, बस वो बात नहीं बन रही है यार।
सुन सुन, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपन कोई 40-50 साल के आदमी नहीं हो गए कि अपना 1 साल वेस्ट हो गया तो कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। हुआ है मेरा भी साल वेस्ट, बट स्टिल आज अच्छे स्कोर कर रहा हूँ, अच्छी लाइफ है, सब सही चल रहा है। बात आज तेरे ऊपर वो बीत रही है, तो उस चीज को ऐसे गलत में वे में मत ले। जो 1% भी तेरे अंदर जो पॉजिटिव फील है ना कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, बस इसे पकड़ ले। और जहां तक बात है टूटने की, तो यार टूटने से एक बस सिंपल सी एक स्टोरी है मेरे दिमाग में, वो याद जस्ट याद आई मुझे। तो स्टोरी, साले स्टोरी सुनने आया हूं मैं, कल के दुश्मन। पहली तू स्ट्रेस्ड आउट है, मेरे को मालूम है तू स्टोरी सुनने के मूड में नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है जो मैंने कहीं पढ़ा था, और ये अभी बस अपनी सिचुएशन से रिलेट हो रहा है इसलिए सुना रहा हूँ, सुन ले। ये सिचुएशन पे सोल्यूशन की जगह तू स्टोरी सुना रहा है, नहीं मिला सोल्यूशन तो तेको बताऊंगा, समझा? बता, सुनता। एक बात सुन, अगर सही में कुछ फायदे की है तो मुझे तो बता ही, मेरा तो हो ही जाएगा थोड़ा हेल्प। और मेरे साथ साथ जो मेरे जैसे बाकी है उनको भी सुना, वो भी देख रहे होंगे या देखेंगे, तो उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। सो गाइस, यार बिल्कुल मैं समझता हूँ, तेरे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आई नो ऐसे बहुत से लोग हैं, और ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती है जहाँ हम लोग टूट जाते हैं, और एक फेज ऐसा आता है कि हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और वो डिसीजंस सभी जानते हैं कि किस एंड तक चले जाते हैं और उसका क्या रिजल्ट आता है। हम ऐसे डिसीजंस ना ले, बस इसीलिए ये एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा कि कभी हार मत मानो। एक हॉस्पिटल होता है, एक हॉस्पिटल में एक केस आता है, जस्ट एक्सीडेंट केस। वो एक्सीडेंट में वो बंदा अपने दोनों पैर खो देता है, ही बिकम्स हैंडीकैप। अब वो बंदा इतना टूट जाता है कि उसके मन में कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहता, वो फुल टू नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिविटी तो मतलब एक्सीडेंट के साथ ही चली जाती है। बट अब वो बंदा एक अपने मन में ऐसे थॉट्स लाने लग जाता है कि अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने फैमिली की हेल्प नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब इसी नेगेटिविटी की वजह से वो अपना एक कॉन्फिडेंस खोने लगता है। कॉन्फिडेंस बोल लो या सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसा अभी हमने बात भी की थी कि इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब इस बंदे का एक बेड होता है कहीं विंडो के आसपास, रात का समय हो जाता है, और इसको किसी कुत्ते के रोने की आवाज आती है। वो कुत्ता बहुत दर्द में होता है, बहुत पेन में होता है, और इसको कहीं ना कहीं वो आवाज समझ जाती है कि कुत्ते को कुछ तो हुआ है। अब जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि वो रोड पे एक कुत्ता जस्ट लाइक गिरा हुआ है, लेटा हुआ है, और उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे। अब कहीं ना कहीं शायद वो उसी के जैसा था कि उसके रिसेंट में एक गाड़ी आके उसके ऊपर से, उसके पैरों के ऊपर से चली जाती है, और इस कुत्ते के पैर काम नहीं करते। कुत्ता रोता है, रोता है, रोता है, बहुत रोता है। उसके बाद ये बंदा उसको सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता है। अब वो कुत्ता वहीं बैठा नहीं रहता है, थोड़ी देर रोता है, रोता है, अपने आप को संभालता है, फिर कैसे तो कैसे कोशिश करता है चलने की। और वो कुत्ता चलते 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 कोशिश करते करते वो रोड क्रॉस कर लेता है। अब इस कुत्ते को देख के इस बंदे के मन में एक फील आता है कि यार अगर एक कुत्ता अपना दर्द भूल के आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं, और अगर ये इंसान ये एक पर्टिकुलर चीज सोच सकता है तो हम क्यों नहीं। ये तो भाई फिर भी बहुत बड़ी बात है कि उसके पैर चले जाने के बावजूद वो अपने आप को कहीं ना कहीं खो देता है, और एक छोटी सी चीज देख के उसे अपने मन में एक पॉजिटिविटी वाली फील आती है जिससे वो आगे बढ़ता है और फिर उसी चीज को ओवरकम करता है। तो ये चीज हम नहीं कर सकते क्या? हमारे अंदर तो अभी भी स्टिल सारे ऑर्गन सही सलामत है, बस एक छोटा सा रिजल्ट गलत आने से या लाइफ में कुछ गलत होने से हम गलत डिसीजंस लेने लग जाते हैं। मेरा मेरी बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा ना करें। एंड इफ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज 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 इसे अपने हर फ्रेंड तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, और जो नीचे एक रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर टैप करें। और अगर आपको पसंद आया तो ये लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो बिंदास डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।